हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कुकिस्ट। आज हम बनाने वाले हैं पायसम या फिर जिसको हम बोलते हैं खीर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पायसम बनाने के लिए मैंने 1 कप गोविंद भोग राइस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम पायसम के लिए चावल को कुक कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक कंटेनर में 1.5 कप पानी ऐड किया है और इसमें हम अब चावल भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्टर कर लेंगे इसको और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि चावल पूरी तरीके से पक ना जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं चावल ऑलमोस्ट कुक होने वाले हैं, तो मीनवाइल हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। इसमें हम 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे और कुछ काजू को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बचे हुए घी में हम 2 तेजपत्ता और 4 टीस्पून चीनी ऐड कर लेंगे। इसको हम कंटिन्यूसली तब तक स्टर करते रहेंगे जब तक कि चीनी कैरेमलाइज ना हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में आपको लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। चीनी कैरेमलाइज हो चुकी है, अब हम इसको उतार के चावल में ऐड कर लेंगे। इसी में हम 1/2 लीटर मिल्क ऐड कर लेंगे और अच्छे से स्टर कर लेंगे इसको। अब हम इसमें कुछ किशमिश और मखाने ऐड कर लेंगे। स्टर कर लें इसको और 25 से 30 मिनट तक ऐसे ही कुक होने दें। 25 से 30 मिनट बाद आप देखेंगे कि खीर बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें 1 कप चीनी ऐड कर लेंगे। देन हम इसमें 2 क्रश्ड इलायची और फ्राइड किए हुए काजू ऐड कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम खीर को सर्व कर देंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ किशमिश, चॉप्ड पिस्ता, कुछ काजू और मखाना यूज़ किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।